और ये बात मैं भी आपके सामने लाना चाहता हूं। अब तक ये हमला हमारे नौजवानों पर थे, हमारे देश की महिलाओं पर था, अब ये हमलावर हमारे बच्चों के घरों तक पहुंच चुके हैं। पिछले ही हफ्ते दलित समाज की एक 12 साल की लड़की 10 साल के लड़के को लाठियों से पीट पीट कर केवल इस बात के लिए मार दिया गया कि वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। साथियों, ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। मैं इस बात के साथ ये बात आपको कहना चाहता हूं, आज हमारे सामने दो बड़े सवाल हैं। एक सवाल हमारे सामने ये है, जो आप जैसे लोग हैं, जो हमारी जैसी कौमें हैं, उन सब कौमों के सामने एक सबसे बड़ा मसला ये है कि देश में जो उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है, देश में जो फिरका परस्ती का माहौल कायरों के नाम पर, जो दलितों को मुसलमानों की लिंची की जा रही है, इस सवाल के साथ हम कैसे लिखे। एक सवाल हमारे सामने ये है और दूसरा हमारे सामने एक सपना है। वो सपना इस बात का है कि उन्मादी हिंसा से बच के ये मुल्क हम कैसा बनाना चाहते हैं, जो सुनहरे सपनों का मुल्क इस देश के सभी आदिवासी और माइनॉरिटी बनाना चाहते हैं, वो देश इस आफत के बीच में हम कैसे बनाएंगे। ये सवाल आज हमारे सामने है, इस बात को हमें याद रखना है भाइयों बहनों। और अगर हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम इन दो बातों से करना चाहते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये जो अंधे कुएं में देश के नौजवानों को धकेलने की कोशिश है, जिन हाथों को काम मिलना चाहिए, उन हाथों को हथियारों से लैस देने की जो कोशिश है, लाठियां देने की जो कोशिश है, इस कोशिशों पे लगाम कैसी लगाई जाए, ये चुनौती हमारे सामने साथियों को बात को समझ में आया। और दूसरा सपना हमारे सामने इस बात का है, हमारे नौजवान जो भटक रहे हैं, वो मोहब्बत में एक दूसरे के करीब कैसे आए, ये हमारे समाज को जो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें यह भी लेना पड़ेगा कि हमारी जो बहनें हैं, दलितों की बहनें हैं, आदिवासियों की बहनें हैं, माइनॉरिटी की बहनें हैं, जो बड़ी संख्या में मौजूद है, इन तमाम बहनों के बीच में एक जज्बाती रिश्ता कैसे कायम हो, ये हमारा सपना कैसे पूरा हो, इसके बारे में हमें सोचना है साथियों। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सबके छोटे मोटे कारोबार हैं, हम हाथ के दस्तकार हैं, हम किसान हैं, हम खेत मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हमें ये देखना है कि हम जो मजदूर और मजलूम है, जो दस्तकार है, इनके बीच में कारोबारी इसमें कैसे कायम हो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो हमारे हाथों से छीन के चंद हाथों में पी जा रही है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे अपने हाथों में हम कायम रख पाए, रोजगार कैसे खड़ा कर पाए, ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हमें ये भी देखना है कि हमारी अलग अलग तरह की तंजीमें हैं, दलितों की अपनी तंजीमें हैं, आदिवासियों की अपनी तंजीमें हैं, माइनॉरिटी की अपनी तंजीमें हैं, हमको ये मिलकर फैसला करना होगा, या तो हम अलग अलग रहकर अलग अलग लड़ते रहे, या हम तंजीमों को एक साथ लाकर ये जो फिरका परस्ती का माहौल बनाया जा रहा है, ये जो उन्मादी उठता है, इसको खत्म करने के लिए हमारी एकता हो, इस बात को हमें तय करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये समझना है कि इस देश में अगर हमारे लिए
जीवन के लिए सड़कों पे निकलना पड़े तो हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। और अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा 10 तारीख को आपको याद होगा कि 1992 में अयोध्या में मस्जिद गिराई गई थी। मैं वो बात अब थोड़ी सी पुरानी हो गई, मैं बताना चाहता हूँ 10 अगस्त को इन्होंने संत श्रोमणी रविदास, जिसको हिंदू धर्म में भी माना जाता है, उसके उनके मंदिर को गिरा दिया। ये मस्जिद को गिराने वाले, ये मंत्र के गिराने वाले हमारे देश के पैरोकार नहीं हो सकते। ये हमारे देश के दुश्मन है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना हमारा फर्ज है। जय भीम, जय भारत माता। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।